हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ सूजी के एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टिफ़िन के लिए बना सकते हैं या फिर शाम की चाय में भी इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है, बारीक या मोटी कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है, एकदम ताज़ा दही मैंने लिया है। साथ ही इसमें हम नमक डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच नमक का लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक को डालें। बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, तो जिस कप से नाप कर मैंने दही लिया था उसी कप से नाप कर आधा कप मैंने पानी लिया है। पानी को डालकर हम अच्छे से सबको मिला लेंगे। इसके बाद हम ढक्कन लगाकर इसे ढककर रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, इसे खोलकर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आधा कप मैंने पानी लिया है, लेकिन थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है और इसे हम मिलाएंगे और इसके बाद फिर इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी, हमारा बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत पतला है। जब चम्मच से हम इसे गिरा रहे हैं तो आराम से गिर रहा है। और ये देखिए आधा कप पानी में थोड़ा सा पानी बच भी गया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो एक छोटी मैंने गाजर ली है, गाजर को कद्दूकस कर लिया है। एक छोटी सी प्याज ली है, प्याज को बारीक बारीक सा काट लिया है। और एक छोटी सी शिमला मिर्च भी ली थी, इसको भी मैंने बारीक ही काटा है, इसे भी डाल देंगे। साथ ही थोड़ी सी हरी धनिया ली है, इसको बारीक बारीक सा काट लिया है। एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको कद्दूकस करके लिया है मैंने। और दो हरी मिर्च ली है, इसको बारीक सा काटा है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मिर्च को भी इसमें हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स, सब्जियाँ आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद हो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न्स भी लिया है, इसे मैंने बॉईल करके लिया है। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो देखिए सब्जियों को हमने सूजी के बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है, आप इसकी जगह पे इनो भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इनो डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून इनो इसमें आप डाल दीजिए। और फिर इसे भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे और बस अब हम तुरंत रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा फ्राइंग पैन लिया है, इसकी जगह पर आप कोई भी पैन या तवा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों डालेंगे, इसकी जगह पे आप राई भी डाल सकते हैं। और थोड़े से ये सफ़ेद तिल है, इसे भी इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ी सी करी लीव्स है, बस सबको हम अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम अपने बैटर को लेंगे और 2 बड़े चम्मच भरकर हम बैटर को इसमें डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड्स, आप इसे अपनी पसंद के अनुसार जैसा भी आपको पसंद हो पतला या मोटा बना सकते हैं, या तो इसे एकदम चिल्ले की तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे फिर एक प्लेट से इसे ढक देंगे और लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल धीमी आँच में हम पकने देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बैटर ऊपर से हल्का सा ड्राई भी होने लगा है। अब हमने यहाँ पे प्लेट लिया है, प्लेट को पैन के ऊपर रख कर हम पैन को पलट देंगे और इस नाश्ते को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना इजीली ये निकल आया है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता एक तरफ से सीख कर तैयार है। कितना बराबर से ये सीखा है, इसका कलर देखिए कितना बराबर आया है। इसको हम एक साइड में रखेंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी इसे सेक लेंगे। तो फिर से हमने पैन लिया है और इसके ऊपर उसी तरह से हम फिर से तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है इसके ऊपर। फिर से हम सरसों डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे और ये करी लीव्स, इन्हें डालकर हम फैला देंगे। और इसके ऊपर हम ये जो पैन केक हमने बनाया था उसको पलट कर रख देंगे। फिर से हम प्लेट को ढकेंगे और एकदम धीमी आंच पे इसे हम इस बार लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं। इसे भी हम पलट कर देख लेते हैं। तो उसी तरह से हम प्लेट के ऊपर इसे पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरे साइड से भी हमारा ये नाश्ता सीख गया है और इधर से भी आप देख रहे हैं इसका कलर कितना प्यारा सा आया है। तो इसी तरह से हम बाकी के पैनकेक्स को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमने सारे पैनकेक को सेक कर रख लिया है और इतने से बैटर में हमारा ये 3 पैनकेक बनकर तैयार हुआ है। चलिए हम एक पैनकेक को आपको काट कर भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना ईजिली ये कट जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी है। और ये देखिए इसके अंदर से ये एकदम अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। तो ये हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। इसे मैंने काट कर एक प्लेट में रख लिया है और इसके साथ में मैंने सॉस को रखा है। तो आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या बिना किसी चटनी या सॉस के भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे हम चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये टेस्टी सी और हेल्दी सी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक भी मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।